प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पूरे पौड़ी जनपद में पहली बार रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट स्थापित कर एक टैंक लगाया। आरएएस प्रणाली का फायदा बताते हुए अरविंद कहते हैं कि इससे कम जगह में ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आरएएस का मतलब है रिसर्कुलेटरी एक्वाफिना सिस्टम, कि मतलब उसमें जो पानी है वो अपने आप प्योर होगा, मतलब जो उसमें जो अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं उनसे गुजरते हुए पानी, फिर जो पानी गंदा होगा किसी में अमोनिया साफ होगा किसी में नाइट्रोजन साफ होगा और वो प्योर होके फिर उसी पॉन्ड में गिर जा रहा है। इसलिए वो आरएएस का मेरे को फ़ायदा लगा यहाँ पे कराने का। और कम जगह पे अगर मैं 25 क्विंटल प्रोडक्शन करता तो मेरे को मतलब 200 300 400 स्क्वायर मीटर का तालाब बनाना पड़ता, यहाँ केवल 10.5 मीटर डाया में मैंने वो तालाब बनाया हुआ है जिसमें 25 क्विंटल प्रोडक्शन में कर सकता हूँ। एकीकृत सिस्टम तैयार करने के लिए अरविंद ने देसी नस्ल की गायें पालकर डेयरी व्यवसाय भी शुरू किया। इसके बाद जिला योजना में उन्होंने मुर्गी पालन में ब्रॉयलर और वन राजा आदि प्रजातियों के साथ मछली का व्यापक पैमाने पर उत्पादन कर वो स्थानीय ग्राहकों के अलावा लोकल मार्केट में बिक्री करते हैं। तब ये आरएस का प्रोडक्शन है कि अगर हम उसमें 3000 सीड डालते हैं और आधा किलो भी साइज उसमें बनाते हैं मोटिलिटी भी होने के बाद, तो उसमें 10 क्विंटल तब भी प्रोडक्शन निकलता है, और जो 200 स्क्वायर मीटर है उसमें भी हम करीब 10 क्विंटल का प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो टोटल मतलब ये कि 100 क्विंटल से ऊपर ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं।